इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव की वजह से नई खलबली बची हुई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि उन्हें मनाने समझाने की कोशिशें चल रही, लेकिन तेज प्रताप यादव अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि नाराजगी अपनी जगह होती है, लेकिन पार्टी में अनुशासन जरूरी है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने कहा कि मानने को तैयार नहीं है। छात्र जनता दल के अध्यक्ष को हटाए जाने के बाद वो जगदानंद सिंह से इतने नाराज हैं कि उन्हें पार्टी में मनमाना फैसला करने वाला हिटलर तक बता दिया। इस पूरे विवाद में तेजस्वी तो ने पहले तो पल्ला झाड़ा, बड़े भाई को इशारों में अनुशासन में रहने की सीख दी, बाद में मामला बढ़ा तो बीच बचाव की बात करने लगे। यह पूरा मामला छात्र आरजेडी का नया अध्यक्ष बनाने के बाद शुरू हुआ। तेज प्रताप का दावा है कि पार्टी ने उन्हें स्टूडेंट विंग का संरक्षक बनाया हुआ है, लेकिन अध्यक्ष हटाने या बनाने से जगदानंद सिंह ने उनसे कोई राय नहीं ली। इस पर तेज प्रताप ने एतराज जताया तो जगदानंद सिंह ने कह दिया प्रदेश अध्यक्ष वो हैं। इस पर तेज प्रताप यादव भड़क गए। पापा पिताजी के साथ वो मंत्री रह चुके हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिना किसी को नोटिस दिए हुए कि भाई उसकी गलती क्या है, मान ली ये आज हमने चैनल के माध्यम से हमने सुनने का काम किया, वो बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव, तो हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव। तो आपने बड़ा आसानी तरीके से मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना बोल दिया, लेकिन आप पिताजी से जाकर के पूछिए कि हु इज तेज प्रताप यादव, पिताजी आपको खुद बताएंगे कि हु इज तेज प्रताप यादव। जगदा बाबू स्वतंत्र हैं, प्रदेश के संगठन में क्या फेरबदल करनी है, क्या विस्तार करना है, किसको रखना है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, ये प्रदेश अध्यक्ष का काम है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।